पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदसौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा, मध्य प्रदेश में चौपट सरकार का चौपट राज चल रहा है जिसने प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर आज पीपलिया मंडी पहुंचे। कमलनाथ ने कहा, किसान न्याय मांग रहे थे लेकिन उन पर गोलियां चली। 6 साल तक जाँच का नाटक चला, आज तक कोई जाँच रिपोर्ट नहीं आई। ये दबाने और छिपाने की राजनीति करें, इसका पर्दाफाश हो चुका है। किसान इनसे अब कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। शिवराज की सरकार चौपट सरकार है। किसान क्या मांग रहे थे? न्याय मांग रहे थे। कृषि चोर बना है, और अगर कृषि चोर चौपट बना तो प्रदेश को क्या है? ये आप सब किसान ने हमारे किराने की दुकान गांव में चलती है, जब किसान की जेब में कुछ पैसा है, हमारे कृषि परिवार के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी जो जन योजना थी भ्रष्टाचार विरुद्ध, ये सब सच्चाई आप सबके सामने। मुझे याद है जब अतिवृष्टि हुई थी, मैं आया था और मैंने किसानों को कहा था, आपको मुआवजा हफ्ते भर में मिलेगा। मैंने अधिकारियों को कहा, मैं कोई तहसीलदार नहीं समझता, इसकी इंस्पेक्शन करके मैं आया हूँ, तो सर्वे मैं करके आया हूँ और हफ्ते भर में किसानों को मुआवजा दे रहे हैं। आज शिवराज सिंह जी को बहने याद आ रही, आज शिवराज सिंह जी को नौजवान याद आ रहे। 18 साल चौपट प्रदेश बना दिया, हड़ताल प्रदेश बना दिया, भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया शिवराज सिंह जी, और आज उनको शासकीय पेंशन भी दिया था। मुझे पता है हमारी सरकार मध्य प्रदेश के घटना पर 2018 में बनी थी। सौदा हुआ, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता, पर मैंने कह दिया कि मध्य प्रदेश की पहचान मैं सौदे की राजनीति से नहीं होने दूंगा, कुर्सी जाए मैं सौदा भी करने वाला और हमारी सरकार भी। उस समय 2018 में मुझे 4 महीने हुए थे, 4 महीने हुए थे अध्यक्ष बने हुए, मुझे आप ज्यादा जानते नहीं थे। अब उस समय 4 सालों में आपने मुझे जन्म दिया, पहचान दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय आप ऐसा फैसला करेंगे जब हमारा प्रदेश का भविष्य सही पटरी पर चले। हमारे पास कौन सी चुनौती नहीं थी, हमारे पास जब सरकार हमें भी आत्महत्या में नंबर वन रख सकती थी, महिला पर अत्याचार में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह जी छोड़ा है। मैंने कहा कि हम एक नई क्रांति में किसानों के साथ न्याय करेंगे। हमने मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और मंदसौर में 1,01,000 का कर्जा माफ किया। ये तो पहला कुछ था, 5 महीने रुक गए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया है, चालू हो गया है, हम किसानों का कर्जा माफ करते। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य है, यही नौजवान उनकी इच्छा से तो उनका भविष्य अगर अंधेरे रहा तो ये कैसा निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश में? ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये तभी होगा जब जैसे मंदसौर में उद्योग लिए निवेश आए, पर निवेश तो विश्वास से आता, विश्वास केवल पर मध्य प्रदेश में नहीं, जिसको तमिलनाडु और केरला में अपना सामान बेचना है वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता, मंदसौर नहीं आता, इंदौर नहीं आता,
पर नहीं आता क्योंकि प्रदेश पर उसका विश्वास। तो ज्यादा क्या कहते हैं ये